आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक पद्मश्री बाबा योगेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। संस्कार भारती के संस्थापक बाबा योगेंद्र के निधन की खबर से देश में शोक की लहर दौड़ गई। बाबा योगेंद्र के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। उन्होंने लिखा कि पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं बाबा योगेंद्र के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि देश सेवा में समर्पित पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 7 जनवरी 1924 में बाबा योगेंद्र का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध वकील बाबू विजय बहादुर श्रीवास्तव के घर जन्मे योगेंद्र के सिर से 2 साल की उम्र में ही माँ का साया उठ गया। फिर उन्हें पड़ोस के एक परिवार में बेच दिया गया। इसके पीछे मान्यता ये थी कि इससे बच्चा दीर्घायु होगा। उस पड़ोसी माँ ने ही अगले 10 साल तक उन्हें पाला पोसा। उस वक्त मोहल्ले में आरएसएस की शाखा लगने लगी थी। उनकी माँ ने वहाँ उन्हें भेजना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बाबा योगेंद्र का छात्र जीवन से ही आरएसएस से लगाव हो गया। सबसे पहले उनका संपर्क गोरखपुर में संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख से हुआ। बाबा योगेंद्र ने 1942 में लखनऊ में संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण लिया। 1945 में वे प्रचारक बने और गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, बदायूं, सीतापुर समेत कई जगहों पर संघ के लिए काम किया। इसके बाद बाबा योगेंद्र ने 1981 में संस्कार भारती नामक संगठन का निर्माण किया। कला साधकों को एक मंच पर लाने की दिशा में ये बहुत बड़ी क्रांति साबित हुई। बाबा योगेंद्र कभी भी बड़े कलाकारों के चक्कर में नहीं पड़े। बाबा योगेंद्र ने हमेशा कलाकारों को मौका दिया। उन्होंने हजारों कला साधकों को एक माला में पिरोने का काम किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।